SQL में हम एग्रीगेट फंक्शंस इसलिए यूज करते हैं जिससे कि मल्टीपल रोज पर, टेबल की मल्टीपल रोज पर हम कैलकुलेशंस कर सकें ऑफ अ सिंगल कॉलम। जो वैल्यूज होती हैं मल्टीपल रोज की वो ग्रुप्ड हो जाती हैं, एक साथ ग्रुप कर देते हैं टू फॉर्म अ सिंगल वैल्यू। और जो भी एग्रीगेट फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू। एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जिसमें से मैं सिर्फ कुछ ही एग्रीगेट फंक्शंस यूज करूंगी। सबसे पहले है काउंट। काउंट एग्रीगेट फंक्शन के अलग-अलग जो है वैरायटी है, लाइक काउंट एस्ट्रिक। काउंट एस्ट्रिक जो है रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मींस टोटल नंबर ऑफ रोज, उस टेबल के अंदर टोटल कितनी रोज है, दैट इज 9। कि अगर कोई नल वैल्यू भी है उसको भी काउंट करेगा काउंट एस्ट्रिक, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो हमारी टेबल में 9 है। एज यू कैन सी इन द टेबल, ये हमारी टेबल है जो हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं एसक्यूएल में। तो इसके अंदर टोटल रिकॉर्ड्स जो है वो 9 है, टोटल 9 वैल्यूज है, सो इट विल रिटर्न सिंगल वैल्यू विच इज 9। सेकेंड है काउंट सिटी। काउंट सिटी मीन्स सिटी वाले कॉलम की वैल्यूज को काउंट करेगा। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज ऑफ अ कॉलम सिटी। सिटी के अंदर अगर कोई नल वैल्यू है तो उसको काउंट नहीं करेगा। तो लेट अस सी कि हमारी टेबल में सिटी वाले कॉलम में एक नल वैल्यू है, तो देर इज ओनली वन नल वैल्यू, तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, 8। तो इट विल रिटर्न 8। तो नॉन नल वैल्यूज को रिटर्न करता है काउंट। ना काउंट डिस्टिंक्ट सिटी, डिस्टिंक्ट ऑलरेडी पता है व्हाई वी यूज, जिससे कि डुप्लीकेट वैल्यूज को वो काउंट नहीं करता। इट रिटर्न्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन नल वैल्यूज ऑफ सिटी कॉलम, दैट इज 4। तो डिस्टिंक्ट सिटी दैट इज कोलकाता को एक बार काउंट करेगा, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद 3, देन कोलकाता, हैदराबाद, इट विल नॉट काउंट, एक बार काउंट हो चुका, देन चंडीगढ़, अगेन डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद एंड चंडीगढ़ 4 सिटीज हैं हमारी डिस्टिंक्ट सिटीज, देयर फोर इट विल रिटर्न 4। नेक्स्ट एग्रीगेट फंक्शन है सम। सम के साथ ब्रैकेट में हम पैरेंथेसिस में किसी भी कॉलम का नाम लिख सकते हैं जिसमें हमें एडिशन करना हो, टोटल वैल्यू निकालनी हो। तो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग सैलरी वो कॉलम है जिस पर हम सम एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल द नॉन नल वैल्यूज ऑफ अ कॉलम, कॉलम के अंदर जितनी भी नॉन नल वैल्यूज हैं उसको ऐड कर देगा। तो सारी जो भी अगर हम सैलरी ऐड करेंगे, 15,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 प्लस 45,000 एंड सो ऑन, तो जो टोटल सैलरी आएगी सारे एम्प्लॉयज की वो आएगी 3,30,000। तो सम जो है वो टोटल निकालता है, एडिशन करता है, मिन सैलरी दैट इज अ मिनिमम वैल्यू, इट रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कौन सी कॉलम की, जो हमने पैरेंथेसिस में दिया है दैट इज सैलरी। तो मिनिमम सैलरी क्या है, 15,000। इसी तरीके से मैक्स, इट विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज अ 65,000। मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉय की क्या है, 65,000। एंड एवरेज सैलरी, पैरेंथेसिस में हम किसी भी कॉलम का नाम लिख सकते हैं। तो इधर मेरी टेबल के अकॉर्डिंग सैलरी है जिस पर मैं एवरेज या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रही हूँ। तो एवरेज, इट रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ अ कॉलम सैलरी, मींस टोटल वैल्यू क्या थी, 3,30,000 डिवाइडेड बाय 9। जो बिफोर दैट की एग्रीगेट फंक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड इन वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस यूज नहीं होते, हो सकते हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे आगे। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन एन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर मुझे इसके लिए क्वेरी लिखनी है, आई विल राइट सिलेक्ट काउंट, मुझे काउंट करना है तो काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम, मेरी टेबल का नाम है एम्प्लॉय सेमीकोलन। एसक्यूएल केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इधर सेलेक्ट मैंने कैपिटल अपर केस में लिखा है, फ्रॉम लोअर केस में लिखा है, इट डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो काउंट एस्ट्रिक, इसमें आउटपुट क्या आएगा, ओनली अ सिंगल वैल्यू आउटपुट इसका आएगा, दैट इज 9। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय।
जितनी भी टोटल सैलरी, जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, 9 एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनकी टोटल सैलरी क्या है सबकी मिलाकर। तो एग्रीगेट फंक्शन हम सिलेक्ट के साथ यूज करेंगे, ग्रुप बाय के साथ भी यूज करते हैं। ग्रुप बाय अभी हम आगे पढ़ेंगे, देन आई विल डिस्कस। सिलेक्ट, अब टोटल करना है तो टोटल के लिए कौन सा एग्रीगेट फंक्शन, सम। सम और किसका टोटल करना है, सैलरी का टोटल करना है। कौन सी टेबल से करना है, एम्प्लॉय टेबल से। तो फ्रॉम एम्प्लॉय सेमी कोलन, तो इसका आउटपुट आएगा सम सैलरी और टोटल है 3,30,000, दिस विल बी द आउटपुट। तो टोटल सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज की कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट क्वेरी इज डिस्प्ले द मैक्सिमम सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करनी है तो हम उसके लिए एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। आउटपुट क्या आएगा, मैक्सिमम सैलरी क्या है टेबल के अकॉर्डिंग, लेट अस सी इन द टेबल। इसमें जो सैलरी वाला कॉलम है इसमें मैक्सिमम सैलरी हमारी है 65,000, तो आउटपुट आ जाएगा 65,000। इसी तरीके से अगर हम मिनिमम फंक्शन यूज करते हैं, मिन फंक्शन एग्रीगेट, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 15,000 आउटपुट देगा। तो मैक्सिमम सैलरी है 65,000, दिस विल बी द आउटपुट। नाउ डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय गेटिंग द मैक्सिमम सैलरी। इस क्वेरी में मैंने मैक्सिमम सैलरी डिस्प्ले करवाई थी 65,000। अब मुझे उस एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करना है जिसको मैक्सिमम सैलरी मिलती है। तो फॉर दिस आई विल डू दिस यूजिंग द नेस्टेड क्वेरी। नेस्टेड क्वेरी के लिए सबसे पहले मैं मैक्सिमम सैलरी निकालूंगी और फिर उस पर्टिकुलर मैक्सिमम सैलरी के करस्पॉन्डिंग जो नेम होगा उसको डिस्प्ले करूंगी। तो मैक्सिमम सैलरी की क्वेरी यही है, दैट इज सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ इसे व्हाट विल बी द आउटपुट, 65,000। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द नेम आल्सो, तो नेम के लिए मैं यूज करूंगी सेलेक्ट ई अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय। कंडीशन क्या है, कंडीशन है वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू ये वाली क्वेरी। इस इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होती है, इनर क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट देन द आउटर क्वेरी। तो इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, इनर क्वेरी का आउटपुट आएगा 65,000। तो सेलेक्ट ई नेम, उस एम्प्लॉय का नाम डिस्प्ले करो एम्प्लॉय टेबल से, वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू 65,000। जिसकी सैलरी 65,000 है उसका नाम डिस्प्ले करना है, और उसका नाम क्या है, आउटपुट विल बी कविश। तो ई अंडरस्कोर नेम कविश। अभी मैंने पहले पिछ दिखाया था कि वेयर के साथ एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते, यहां पर मैं एग्रीगेट फंक्शन सेलेक्ट के साथ यूज कर रही हूं नेस्टेड क्वेरी की तरह। अगर मैं इसको लिखती हूं सैलरी वेयर, वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू मैक्स सैलरी, तो एरर आ जाएगी, द कंपाइलर विल गिव द एरर, क्योंकि हम वेयर के साथ जो है वो एग्रीगेट फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मुझे पहले मैक्सिमम सैलरी के लिए एक इनर क्वेरी लिखनी पड़ेगी जिससे मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी 65,000, फिर मैं उसको सैलरी के साथ कंपेयर कर सकती हूँ इक्वल टू ऑपरेटर से, कि जिसकी सैलरी 65,000 है उसका नाम डिस्प्ले कर दे। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगी वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू मैक्स सैलरी, तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते हैं, इट विल गिव एन एरर। वी हैव टू सॉल्व दिस यूजिंग द नेस्टेड क्वेरी।